था और मैंने यहाँ पर अपनी स्टिंग रखी हुई थी और इन्होंने पूरा पोपट कर दिया है। रजनीकांत न्यूज़पेपर लगे पढ़ने, पेपर खोल के छोड़ दिए, हवा आई और इसने बोतल को यूं मारा और बोतल गिर गया मेरे ऊपर पूरा ये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंदर ब्लॉग। आज संडे है और आज 13 तारीख है और अभी हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और ये टाइम हो रहा था मेस का, लेकिन आज मेस का खाना हमें खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज मेस में है बिरयानी और यहाँ पे बिरयानी का मतलब होता है भुना हुआ भात, तो भुना हुआ भात खाने का हमारा कोई शौक नहीं है आज। तो आज हम सोच रहे थे कि आज चलते हैं जो हमारे कॉलेज के बाहर ढाबे हैं, हमने सुना है वहाँ पर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पे और खाते हैं वहाँ के पराठे और बताते हैं आपको कैसा है पराठा। चलिए गाइस, धीरे धीरे ठंडी का भी सीज़न आ रहा है तो ये हमारे मित्र लोग धूप में चल रहे हैं, छांव में नहीं चल रहे हैं क्योंकि ठंडी कभी ये लोग यहाँ के आए हैं तो इन्हें ठंडे का एहसास हो रहा है, तो अपनी ठंड भगाने के लिए ये लोग धूप में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें कॉलेज से निकलने के लिए कुछ पेपर वर्क भी करना पड़ता है गेट के पास, तो चलिए दिखाते हैं क्या वो पेपर वर्क, फिर पेपर वर्क करके चलते हैं ढाबे की तरफ। तो आप लोग एक बार मेरी यूनिवर्सिटी को बाहर से देख लीजिए कि मेरी यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर लगती है, बाहर का मतलब बाहर की जो इसकी सुंदरता है जो बाहर से देखने में लगती है उसका कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या ही यूनिक डिज़ाइन से हमारी यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। तो हम आ गए हैं गेट के पास और अब हम यहाँ पे पेपर वर्क करेंगे और पेपर वर्क करके फिर चलेंगे पराठे खाने। वो एंट्री हो गया अभी आके बस वो दोस्तों उन्होंने हमें बाहर जाने की परमिशन दे दी है क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में पहल में गए थे तो अभी हमने इंटर करने का साइन नहीं किया था, तो उसी वजह से उन्होंने बात की, उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट यूनिवर्सिटी के सामने ही सब ढाबे हैं, तो हम चलते हैं ढाबे पे और मिलते हैं आपसे। पता है कि बच्चे निकलते हैं जाना ही होता है, इसलिए इनका धंधा भी चलता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ढाबे की तरफ। तुम लोग आ चुके हैं ढाबे पे, भैया पराठे हैं, भैया पराठे मिलेंगे? तो कैसे हैं पराठे, एक पराठे कैसे हैं? गाइस मेनू पर चेक कर लेते हैं, फास्ट फूड ब्रेकफास्ट पनीर पराठा और मिर्च पराठा आलू पराठा 50 का है, तो 6 आलू पराठे कर दीजिए, 2 पनीर पराठे और 4 आलू पराठे। हाँ, या फिर ऐसा करिए आप 2 आलू पराठे और 4 पनीर पराठे कर दीजिए, 2 आलू पराठे और 4 पनीर पराठे। तो वैसे हमने ऑर्डर दे दिया है, अब देखिए कब तक आते हैं। दोस्तों हमने फाइनली ऑर्डर दे दिया है, 4 पनीर के पराठे मंगाए हैं और 2 आलू पराठे, क्योंकि हमारे कुणाल भाई को आलू के पराठे पसंद नहीं हैं, तो इंतज़ार करते हैं ऑर्डर आने का और फिर दिखाते हैं आपको कैसा पराठा आता है। तो अभी फाइनली हमारे पास 3 पराठे आ चुके हैं और हम तीनों लोग स्टार्ट करते हैं खाना और बताते हैं कैसा उसका टेस्ट है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा खाना जो फिनिश हो चुका है और ये हमारे कुणाल भाई, इन्हें इनको डेढ़ पराठे खाने में इनकी हालत ख़राब हो गई और अभी आगे नहीं खा पा रहे हैं। देखिए अभी अपनी बेइज्जती होते देख फिर से उन्होंने खाना आरंभ किया, देखिए कहाँ तक जाते हैं। और काफ़ी अच्छा पराठा था, तो अगर आप लोगों को यहाँ पर आने के मौके मिले ज़रूर आए, पराठा ज़रूर खाएं। और अब हम ये स्टिंग तो नहीं चार्ज है, खाने के बाद कुछ पीने को भी चाहिए होता है तो ये पीते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर रखा हुआ था और मैंने यहाँ पे अपनी स्टिंग रखी हुई थी और इन्होंने पूरा पोपट कर दिया है। रजनीकांत पेपर लगे पढ़ने, पेपर खोल के छोड़ दिए, हवा आई और इसने बोतल को यूं मारा और बोतल गिर गया मेरे ऊपर, पूरा ये शर्ट भीग गया और ये आप लोग देख सकते हैं इतना गिरा हुआ है। ये सब इनकी देन है, सब इनकी देन है। आज तक कभी इन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और आज जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो इन्होंने ये कांड कर दिया। अब हम क्या बोलें इनको, तभी नहा कपड़ा चेंज किए थे फिर से गंदा हो गया। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन आगे से इस बात का आप ध्यान रखिए सर, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं कुणाल भाई करा रहे हैं फोटोशूट और अब हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में।